अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई और दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वायरमेंट बहुत सा अपडेटेड रिक्वायरमेंट टोटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। उम्मीद करेंगे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी रिक्वायरमेंट के रिलेटेड रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको पेपर चाहिए तो पेपर आपको पीडीएफ के नहीं पीडीएफ में नहीं मिलेगा, फोटोज़ वाइज अलग सेपरेट पेपर मिलेगा। पेपर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, अपडेटेड कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। कुछ नर्स और मेडिकल फील्ड का भी रिक्वायरमेंट है, वीडियो के एंड में बताएंगे, और सिंगापुर का भी रिक्वायरमेंट इसमें अवेलेबल है। तो आप पूरी रिक्वायरमेंट जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट की बात करते हैं हम, बहरेन का कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, ऑयल एंड गैस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है अच्छी तरह से आप देख लें, यहाँ ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, टेर का रिक्वायरमेंट है, फोर्कलिफ्ट। किसी भाई ने हमारे मैसेज किया था अभी तक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का एक भी रिक्वायरमेंट नहीं देखे हैं, तो देख लें आप, आपकी भी तसल्ली हो जाए। तो जीसीसी वैलिड लाइसेंस चाहिए, सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया है, इतना सैलरी होगा, फ्री फूड एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से होगा। इस सिगुल की बात करें तो सिंकलेस का ये रिक्वायरमेंट निकल के आया। जी हाँ, सिंकलेस अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी में से एक है, बेस्ट कंसल्टेंसी में से एक है, भरोसा कर सकते हो। ऑफिस बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन ऑफिस है, भरोसा कर सकते हो, सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो। तो ऑफिस में अप्लाई कर रहा है, अप्लाई करने का प्रोसेस हमने बता दिया है, यहाँ पे मेल आईडी मेंशन है, मेल आईडी सिंपली मेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नासर ओवरसीज की तरफ से निकल कर आ रहा है, अच्छी कंसल्टेंसी है ये, वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्युलर हाउस एंड मीट प्रोसेसिंग प्लांट इन ओमान में। यहाँ पे 18 तारीख को इंटरव्यू, इसका क्लाइंट इंटरव्यू दिया जाएगा मंडे के दिन 18 तारीख, अभी वैलिड है डेट, अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। तो अगर आप अपना अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लें। सीनियर बचलर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे, फूड हैंडलर एंड लाइन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस मीट में होना चाहिए ओनली, फूड हैंडलर का एक्सपीरियंस मीट में होना चाहिए ओनली। तो यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम तकरीबन 3 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सेम फील्ड में अगर है तो अप्लाई करें, मेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कोई भी डाउट्स को भी क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ दिया गया, कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। और बात करते हैं कंसल्टेंसी की, तो नासर ओवरसीज कंसल्टेंसी अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते, हो सकता है इंशाल्लाह जो आपके लिए बेहतर साबित हो गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पीएनआर की तरफ से निकल कर रहा है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट सऊदी का रिक्वायरमेंट निकल कर रहा है। हम सिर्फ पेपर स्क्रॉल करेंगे, आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि पूरा रिक्वायरमेंट बताया तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसमें बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो पूरी रिक्वायरमेंट अच्छे से देख ले, पुश करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर पेपर चाहिए तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, सिंपली मेल आईडी में मेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स को भी क्वारी चाहिए तो क्लियर कर सकते हैं, यहाँ मेल आईडी मेंशन है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, एड्रेस भी मेंशन किया, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। बात करें इंटरव्यू का, कुछ डेट फाइनल नहीं किया गया तो हो सकता है वैलिड हो अभी तक, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कतर का कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, यहाँ देखें कहाँ कहाँ पर इंटरव्यू इसका होने वाला, ये देख लें यहाँ पे, अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर द लीडिंग कंपनी कतर का इंटरव्यू देख लें, जलंधर, न्यू दिल्ली, पटना, कोलकाता में होने वाला। तो ये जो भी इंटरव्यू है ये ऑफिस करा रही है इंटरव्यू, यहाँ कोई इनका ब्रांच नहीं है, बस इनके थ्रू ये इंटरव्यू हो रहा है। तो ऐसा ना सोचे कि जो जहाँ इंटरव्यू हो रहा है वो अच्छी ऑफिस है, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके थ्रू काम करा रहा है। तो ये मतलब सब कंसल्टेंसी वाला हिसाब किताब हो गया। अगर आप डायरेक्ट होंगे तो आपका दिल्ली में होगा, अगर इनडायरेक्ट होंगे तो पटना, कोलकाता, जलंधर में होगा इसका इंटरव्यू। तो कौन कौन से पोस्ट का इंटरव्यू है देख लें, यहाँ पर प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक, पाइप फिटर, डक्ट मैन, डक्ट इंसुलेटर, पाइप इंसुलेटर एंड पाइप फिटर का रिक्वायरमेंट है यहाँ। ये टोटली रिक्वायरमेंट जेन्युइन है, आरके इंटरनेशनल की तरफ से है, बट सब कंसल्टेंसी के थ्रू काम हो रहा है, तो हो सकता है चार्जेस कुछ ज़्यादा हो, सैलरी कुछ कम। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, बहुत अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी का है, रिसोर्स हंटर्स का रिक्वायरमेंट है, ये जेन्युइन कंसल्टेंसी, यूरोप का भी ये कंसल्टेंसी काम कराती है। ये कतर का रिक्वायरमेंट आ रहा है, वैन सेल्समैन का रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए मेंशन किया, कतर मीडियम ट्रक वैलिड एक्सपायर लाइसेंस होना चाहिए, एज लिमिट यहाँ पर मेंशन किया 45 तक एज लिमिट होना चाहिए, और लैंग्वेज हिंदी इन फाइन, बेसिक्स इंग्लिश राइटिंग रिक्वायर्ड, बेसिक इंग्लिश होना चाहिए, लिखना थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आना चाहिए बस चलेगा, बाकी का एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, एफएमसीजी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मॉडल ऑफ सिलेक्शन, आईमो इंटरव्यू होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। जब भी आप मेल करें किया करें तो आईमो नंबर जरूर मेंशन कर दें, और जो भी आपका आईडी है आईमो नंबर प्लस स्काइप आईडी सब मेंशन कर दो, ज़्यादा बेटर होगा। अप्लाई करने के लिए प्रोसेस सेम है, प्रोसेस यहाँ पे मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, मेल आईडी में सिंपली आप मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज है तो आप बाय मेल क्लियर कर सकते हैं। बात करें कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी अच्छी और भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन है, कॉन्टैक्ट करके ही पूरा क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मैंशन किया प्लीज़ कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और सीवी सेंड करने के लिए यहाँ पे मेल आईडी दिया गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है,
हाँ, एयर ग्रुप की तरफ से निकल के एरिस, एयरिस ग्रुप ऑफ कंपनी, एयरिस ग्रुप ऑफ कंपनी का हमने पहले ही बात की, ये जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है उसी कंपनी की ये कंसल्टेंसी है। इसमें खास बात ये है कि इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल आप बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल लैब एंड मैनेजर इंचार्ज का रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन BSc केमिस्ट्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल होना चाहिए। बाकी का पूरा डिटेल मेंशन किया, अप्लाई करने के लिए मेल आईडी यहाँ पे मेंशन है। ये बात करें तो केरल की कंसल्टेंसी है, प्लस कंपनी भी केरल की, एक सप्लायर कंपनी और बहुत ही अच्छी कंपनी, सप्लायर कंपनी बट बहुत अच्छी कंपनी, जहाँ जहाँ सप्लाई देती है बहुत टॉप कंपनीज में सप्लायर देती है और बहुत अच्छी, बहुत सारा फैसिलिटीज में अवेलेबल है। नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है ये स्मैक्स की तरफ से, ये रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं डिटेल में, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द रीडिंग सऊदी अरबिया रिपोर्टेड मैरिन ऑफशोर कंपनी का हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ऑफशोर के लिए, रिगर का भी रिक्वायरमेंट है ऑफशोर के लिए। यहाँ पर पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया, डिटेल्स आप अच्छी तरह से रीड कर ले। एक्टिविटी सैलरी होगा, फ्री फूड एकोमोडेशन कंपनी की तरफ से दिया जाएगा आपको। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अपडेटेड CV और सपोर्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे मेल कर दे। मेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल अजीत सर का कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन किया हुआ है। अजीत सर को हम पर्सनली जानते हैं, बहुत अच्छे बेहतरीन बंदे हैं और ये स्नैक्स ऑफिस के अंदर ही एम्प्लॉयर, सबसे बड़ी बात ये है ये कोई एजेंट नहीं है। और इनका भी एक चैनल था मगर अभी फिलहाल चल नहीं रहा वो, तो इनसे हमें इंस्पायर है, बहुत अच्छे बंदे हैं। इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, हो सकता है आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो हेल्प जरूर करेंगे ये। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एम ओवरसीज़ की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल कर रहा है। बहुत से बंदे मैसेज करते हैं एम ओवरसीज़ कैसी है, तो आप वीडियो में देखा करें ऑफिस कंसल्टेंसी कैसा है, हम इसमें पूरा डिटेल बताते हैं। फिर मैसेज करके एक एक आदमी को सेपरेट बताना ये मुमकिन नहीं हो पाता है। ये रिक्वायरमेंट पहले पब्लिश किया गया था, अभी भी वैलिड है इसलिए पब्लिश किया गया। देखिए इंटरव्यू का डेटा भी फाइनल किया गया इसलिए फिर एक बार पब्लिश किया गया। फरनेक के तरफ से ये रिक्वायरमेंट है, रेफरेंस आईडी मेंशन है, जब भी मिल के रेफरेंस जरूर मेंशन किया करें। यहाँ पे दुबई का रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ द मॉल होटल हॉस्पिटल एंड फर्निश्ड अपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है। डेली शॉर्टलिस्टिंग इन प्रोग्रेस है। क्लाइंट इंटरव्यू देखिए स्काइप के थ्रू होगा, यहाँ पे 20 तारीख को क्लाइंट इंटरव्यू डेट फाइनल किया गया। ट्रेड कौन सा है, मैकेनिकल टेक्नीशियंस का ट्रेड है, HVAC टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ITI कम से कम होना चाहिए, सैलरी अच्छी खासी मेंशन की गई है यहाँ पे। और एज लिमिट दिया गया 23 से 35 साल तक का एज लिमिट है, इससे ज़्यादा बंदे अप्लाई ना करें और 50-40 से ऊपर वाले बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट इसमें बताया गया है। तो आप निराश ना हो, आप भी वीडियो कंटिन्यू देखें। अप्लाई करने के लिए प्रोसेस ये दिया गया था, मेल आईडी मेंशन किया हुआ, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारी सिंपली कॉन्टैक्ट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ मेंशन किया गया। बात करें कंसल्टेंसी AM ओवरसीज अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी है, मुंबई के रजिस्टर्ड, इसमें भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मीना की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है, किचन का रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकल के आया है सऊदी अरबिया के लिए, होटल के लिए डेमिन सेफ डी पार्टी होटल किचन का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे वेटर एंड रूम बॉय का भी रिक्वायरमेंट है। ओवरटाइम एंड अदर बेनिफिट्स कंपनी देगी, ओवरटाइम तो काम के ऊपर चलता है, बाकी के बेनिफिट्स एज ए लेबर लॉ जो होगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पे मीना की तरफ बात करें, मीना अच्छी और बेहतरीन कंसल्टेंसी है, भरोसा कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारीज हो तो बाय मेल आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ नहीं है यहाँ पे। बात करें अल रेहान, अल रेहान का बहुत सा मैसेज हमारे पास आया था कि अल रेहान कैसी ऑफिस। देखिए अल रेहान बहुत सारी ऑफिस है, कौन सा अल रेहान के बारे में आप पूछ रहे हैं। अगर आप पूछे अल रेहान दिल्ली, तो अल रेहान दिल्ली में बहुत सारे अल रेहान हैं, तो इतना डिटेल बताना मुमकिन नहीं हो पाएगा। आप उसका अगर कोई लोगो हमारे पास भेजते हैं तो उस हम बता देंगे ये ऑफिस सही है या नहीं है, तो लोगों से इनका पहचान होता है। यहाँ पे देखिए UAE का कुछ रिक्वायरमेंट निकल है, गर्फ कैन इंडस्ट्रीज का रिक्वायरमेंट है, शॉर्टलिस्टिंग प्रोग्रेस चला है, क्लाइंट इंटरव्यू बहुत ही जल्द कोची में होने वाला है। यहाँ पे प्रेस ऑपरेटर एंड टर्मिनल मैकेनिक ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर एंड लिक्विड मशीन ऑपरेटर, प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर, निकिंग मशीन ऑपरेटर, लिक्विड टीम लीडर का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, प्रिंटिंग मशीन टीम लीडर का रिक्वायरमेंट है, नेकिंग टीम लीडर का रिक्वायरमेंट है, इम्पैक्ट एक्सटेंशन प्रेस ऑपरेटर स्पेशलिस्ट का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे मेंशन किया गया, प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है, प्लस असिस्टेंट एंड सपोर्टर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अप्लाई करने की कंसल्टेंसी सही है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। अप्लाई करने के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेल आईडी मेंशन किया, अप्लाई कर सकते, कोई भी डाउट्स कोई भी क्वारी तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे मेंशन किया। यहाँ एक्टिव सैलरी है, फ्री एकोमोडेशन, मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से रहेगा, इंश्योरेंस वगैरह, फूड इसमें कुछ खास मेंशन नहीं किया गया, फूड का एक बार आपको क्लियर करना होगा। बात करें कंसल्टेंसी की तो अल रेहान रजिस्टर्ड है या नहीं, अल रेहान देखिए कंसल्टेंसी अच्छी है, UP की रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है, बट ये ज़्यादातर का काम इसका एर्नाकुलम साउथ में होता है, केरल की तरफ इसका काम ज़्यादा करके इंटरव्यू वहाँ होता है। हालांकि ये ऑफिस अच्छी है, UP की रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो तो ज़रूर अप्लाई करें। और बात करते हैं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया कुछ रिक्वायरमेंट निकल कर रहा है, डायनेमिक स्टाफ हायरिंग की तरफ से, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, तो इसे मेल किया करें। हायरिंग फॉर द शिप मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट, एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर, एल्यूमिनियम वेल्डर, शिप फिटर, मैरीन मैकेनिक, मशीनिस्ट,
एंड मैरिंग इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, ब्लास्टर, एचवीएसी टेक्नीशियंस का भी इसमें रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट करने का मसला ये होता है ना, ये फ़ोन जल्दी रिसीव नहीं करता, आप ज़रूर मेल किया करें, मेल करके भूल जाए, ऐसा नहीं कि मेल करके बैठ गए घर पे भाई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो रिप्लाई आता है, शॉर्ट लिस्टेड नहीं होता है तो रिप्लाई आने का चांस नहीं होता है। तो रिप्लाई का ज़्यादा टेंशन ना लें आप, आगे बढ़े फिर मेल आई डी मेंशन किया, मेल कर लें, यहाँ पे मेल आईडी यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे वेबसाइट मेंशन है, ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिया, कोशिश कर ले फ़ोन करके, शायद लग जाए, बात हो जाए। कौन सी एजेंसी अच्छी है, भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए जॉब भी बेहतर साबित हो गया। रजब मैन पावर की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल गया, रजब मैन पावर यूरोप का भी काम बहुत सा आता है इनके पास, यूरोप का रिक्वायरमेंट, अगर यूरोप का बंदे हैं ढूंढ रहे हैं यूरोप के लिए जॉब, तो रजब मैन पावर में एक बार आप रजिस्टर जरूर कर लें। रिक्वायर फॉर द सऊदी का कुछ रिक्वायरमेंट निकल के रहा, फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द फ्लाइट रिज्यूम एट सर्विस टू के एस ए, शॉर्ट लिस्ट अंडर प्रोसेस। देखिए यहाँ पे अभी फ्लाइट का जैसा मसला है, फ्लाइट अभी चालू नहीं हुआ है, और अगर बहुत सारे बंदे कोई अगर छुट्टी आए हुए, छुट्टी वापस जा नहीं पा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, इसका एक सिंपल प्रोसेस है, आप विजिट आ सकते हैं दुबई, दुबई के थ्रू यहाँ से सऊदी जा सकते हैं। इसका पूरा डिटेल इंशाल्लाह हम किसी वीडियो में बना के जरूर आपके पास पब्लिश करेंगे, ताकि आपको पूरा डिटेल पता लग पाए। हेल्पर कंस्ट्रक्शन लेबर का रिक्वायरमेंट है, स्टील फिटर का, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, रेवल फिक्सर एंड मेशन टाइल्स का रिक्वायरमेंट है, मेशन कॉन्क्रीट इरेक्टर, इलेक्ट्री रिगर, कारपेंटर, फिनिशिंग कारपेंटर, सेटिंग ड्राइवर का रिक्वायरमेंट, ऑपरेटर, गैंट्री क्रेन, वेल्डर, मेशन फीटर एंड एसी टेक्नीशियन, ऑपरेटर, ऑपरेटर बेस्टिंग प्लांट का है, स्पीडली का है, एंड मेशन वाटरप्रूफिंग की चाहिए, मैकेनिकल मैन चाहिए, मैकेनिकल मैन। तो यहाँ पे देखिए ई सी आर बोथ आर पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मेल आई डी मेंशन किया, सिंपली मेल आई डी मेल कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वारीज हो तो क्लियर कर सकते हैं बाई मेल के थ्रू। बात करें कौन सी एजेंसी अच्छी भरोसेमंद है, मुंबई के अंदर अवेलेबल है ये, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हेड ऑफिस मुंबई है, प्लस केरल भी, इसका ब्रांच केरल में भी है की कंसल्टेंसी, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया। पीओनर का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे निकल के आया, पब्लिश किया गया पीओनर का रिक्वायरमेंट, बैक ओमान, एसी फोरमैन, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन एंड प्लम्बर एंड फायर अलार्म टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए क्लियर ये चीज़ एक मेंशन किया गया है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, सर्विस चार्ज 30,000 यहाँ पे लिखा गया है, ओनली पेमेंट थ्रू चेक डीडी ऑनलाइन ट्रांसफ़र, यहाँ देख लें मेंशन किया गया। तो यहाँ पे वैलिड दिया गया, वैलिड टिल 1-2 यानी फरवरी तक ये जॉब वैलिड है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए जॉब ये बेहतर साबित हो गया है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस मेल आईडी आप मेंशन किया, मेल आईडी के थ्रू मेल कर सकते हो, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वारीज तो क्लियर कर सकते हो, व्हाट्सअप स्काइप आईडी जरूर मेंशन किया करें, क्योंकि इसके थ्रू ही इंटरव्यू होने का चांसेस है।